खबर है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां सरोज देवी और रामचंद्र ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जी हां, खबर है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां हाया घाट प्रखंड के आनंदपुर चौक पर हेरिटेज इंग्लिश स्कूल का प्रोपराइटर विकास कुमार झा की मम्मी सरोज देवी एवं विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह के संयुक्त में फीता काटकर किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद दीप प्रज्वलित में मौजूद विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह, प्रखंड विकास अधिकारी राकेश कुमार, प्रोपराइटर विकास माता सरोज देवी एवं दर्जनों स्कूल के प्रोपराइटर और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। विकास झा की मां का कहना था कि विकास के पिता का सपना था कि इस क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल हो, इसमें गरीब बुर्गों के बच्चे और निसहाय बेसहारा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाए। साथ ही जो गरीब रेखा से नीचे आने वाले अभिभावक हैं, उनके बच्चों को 25% लेस कर नामांकन लिया जाए, ताकि हमारा स्कूल नाम करे और पूरे जिले और पूरे राज्य में नाम रोशन करे। देखिए दरभंगा से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। की नाम भेल? विकास जी, कहाँ के छे? जी सर, बताइए, अभी जो आपने स्कूल का उद्घाटन किया है, क्या इसमें और स्कूल के अपेक्षा क्या अलग किए हैं? एजुकेशन के अलावा मैंने स्पोर्ट पे विशेष ध्यान दिया है, जो यहाँ के स्कूल में नहीं है। हर स्कूल में तो एजुकेशन है ही सर, शिक्षा तो है, लेकिन हर बच्चे में ना शिक्षा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होते हैं, जिनको खेलकूद, कोई सिंगिंग, कोई स्विमिंग, कोई योगा जैसे हैं, उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है। और वेल मैनेजमेंट हम रख रहे हैं, बच्चों पर विशेषता ध्यान दे रहे हैं। बच्चे मेरे लिए जैसे गार्जियन के लिए भविष्य हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। और मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है, जो जिस तरह बच्चे आएंगे मेरे स्कूल में, उस तरह हम बच्चे को रिटर्न कर रहे हैं गार्जियन के हाथ में, जब तक नहीं जाएंगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, आप बिल्कुल रूरल एरिया में स्कूल खोले हैं, यहाँ गरीब गुरबों के लिए क्या अलग से भी कोई व्यवस्था है? सर, BPL के लिए मैंने 25% डिस्काउंट एडमिशन चार्ज में मैंने किया है, और जो अति पिछड़ा है उनको 50%, और जो नन है उनको 100%। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हो रहा है इसका एडमिशन? सर, आज से रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है, और इसके बाद एग्ज़ाम होंगे, स्कोरिंग होंगे, और 2 मई से स्कूल रन होने जा रही है। अच्छा, क्या है इसका चार्जेस? एडमिशन चार्ज सर, एक मेंटेनेंस चार्ज हम ले रहे हैं, 1200 फीस हैं, 0 से 11,000 एडमिशन चार्ज है। अच्छा, ट्रेवल एक्सपेंस में? ट्रेवल एक्सपेंस मिनिमम है 350 स्टार्ट है। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सर। क्या है आप? चेयरपर्सन। आप जो ये स्कूल खोले हैं, किस जगह है? आनंदपुर चौक। इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, तो बहुत गौरव का विषय है कि हमारे क्षेत्र में हेरिटेज इंग्लिश विश्वविद्यालय हम लोग उद्घाटन करने के लिए है। जहाँ पर ये स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है, तो शिक्षा ये हब है यहाँ का, माने यहाँ लोग विद्यार्थी, यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पर शिक्षा का हब है यहाँ पर। दूसरा विषय, क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी जो सक्षम परिवार है, जो इस तरह का स्कूल को स्कूल के लिए जाते थे, माने दरभंगा के लिए जाते थे, अगर वो फैसिलिटी हमको लगता है कि यहाँ मिले और विद्यार्थी को भी इस तरह का पढ़ाई मिले, विद्यार्थी को पढ़ाई मिल जाता है यहाँ पर, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा ये, और यहाँ के लिए, ये इस क्षेत्र के लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि ऐसा स्कूल, इंग्लिश हेरिटेज स्कूल खुला है। और लोग, हमको लगता है कि गार्जियन भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, जब सब व्यवस्था मिलेगा तो निश्चित रूप से विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छा पाएंगे। स्कूल का उद्घाटन में आप देखें कि आपके प्रखंड में हुआ है इस तरह का स्कूल, ये हमारे, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, पूरे प्रखंड क्षेत्र के वासियों के लिए, जितने भी गार्जियन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं उनके लिए, और जो भी चाहे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं या कोई भी पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर एक अच्छी सुविधा स्कूल के लिए
तो ये आज की तिथि में ये इसका उद्घाटन हुआ है। निश्चित तौर पर वो जो अच्छी शिक्षा अच्छी परवरिश की बात करेंगे तो इस विद्यालय की मार्फत से उन्हें मिलेगी, इसके लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएँ और बधाई है। हम कोशिश करेंगे उम्मीद करेंगे कि इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं और इनकी इनकी जो इनसे मैंने थोड़ी सी एक झलक बात की कि ये आपने ऐसा क्यों किया, आपके मन में क्यों आया कि विद्यालय की स्थापना किया जाए, तो इन्होंने इतनी शालीनता से इस बात को रखी कि उनके पति चाहते थे इस क्षेत्र में शिक्षा का बहुत विस्तार हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और इस क्षेत्र के वासियों के लिए एक संदेश देकर के जाएं कि शिक्षा ही सब कुछ है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो पढ़ना चाहे, किसी भी रोजगार पाना चाहे, कोई सामाजिक कार्य करना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, तो इसलिए इनका ये सपना था और इनका ये सपना पूरा हो रहा है। हम इन्हें बहुत अग्रिम बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और इस क्षेत्र के वासियों को भी शुभकामनाएँ देते हैं कि आपके क्षेत्र में एक अच्छी स्कूल की स्थापना हुई है, आपके बच्चे निश्चित तौर पर बड़े बड़े स्कूलों का जो नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल या डीएवी स्कूल उनके बराबरी का एक स्कूल है और आपके क्षेत्र में है, अच्छी अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा।